सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि भारत में जो ट्राई है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको बंद कर दिया जाए। उसका एकमात्र कारण है कि जो स्पेक्ट्रम बिक्री हो रही है उसमें सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। जो स्पेक्ट्रम कंपनी खरीद रही है वो तो सरकार से खरीद रही है बिना अवधि के, अवधि उन्होंने 25 साल की रखी है कि 25 साल वो स्पेक्ट्रम बेचेगी देश में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार था। लेकिन वही स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद जब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बनती है तो वो अवधि को छोटी अवधि रख देती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं कि 25 वर्ष की अवधि है, तो 25 वर्ष की जो वैलिडिटी है स्पेक्ट्रम कंपनी बेचेगी, ये जो भी स्पेक्ट्रम खरीदे उनको 25 साल के अंदर तक बेचेगी, लाइसेंस उनको दिया हुआ 25 साल का, तो वो एक महीने की वैलिडिटी क्यों रखे हुए? और जब वो बेच चुके हैं तो यहाँ वैलिडिटी का तो प्रश्न नहीं उठता। ये कोई खाद्य पदार्थ नहीं है स्पेक्ट्रम, या ये जो इंटरनेट की जो स्पेक्ट्रम है वो कोई खाद्य पदार्थ नहीं है कि 6 महीने में या 3 महीने में या 1 साल में खराब हो जाएंगे। जब बिक्री हो चुकी है स्पेक्ट्रम की, तो मेरा कहना है कि भारत के अंदर सर्विस प्रोवाइडर भारत सरकार से स्पेक्ट्रम लेके क्यों अवधि वैलिडिटी को माध्यम बनाकर अपने हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं। वो वैलिडिटी भी बेच रहे हैं और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम भी बेच रहे हैं, वो इंटरनेट के जीबी भी बेच रहे हैं, जो पदार्थ है वो बिक रहा है। लेकिन जब भारत सरकार से वो 25 साल की वैलिडिटी के लिए लाइसेंस खरीद चुके हैं, तो भारत सरकार जो सर्विस प्रोवाइडर्स को लाइसेंस दिए हुए हैं, जो इंटरनेट कंपनियां हैं, जो मोबाइल सिम कंपनियां हैं, जो रिचार्ज बेच रही हैं, वो 28 दिन की अवधि क्यों लागू कर रही हैं? तो या ट्राई इसको देखें, जब अवधि ही बाधित तो रहेगी, अवधि को छोड़ दिया जाए, तो मेरा ये कहना है कि जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या तो उसको बंद कर दिया जाए, या उसने जिस तरीके से स्पेक्ट्रम को रेगुलेट किया है वो पूर्णतः गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश कुछ हो रहे हैं और टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश कुछ हो रहे हैं, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अवमानना लगाती है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे? ट्राई पर उन्होंने चीटिंग करी, धोखाधड़ी करी, भारत सरकार के मंत्रालय भी हैं उसमें लिप्त, और क्या कानून मंत्रालय, देश का कानून मंत्रालय, क्या टेलीफोन मंत्रालय, जो मंत्रालय बने हुए हैं संबंधित इसको रेगुलेट कर, संचार मंत्रालय बना हुआ है, वो क्यों नहीं देख रहा है? ट्राई की धोखाधड़ी को क्यों नहीं देख रहा है? ट्राई ने इन शर्तों पे क्यों सर्विस प्रोवाइडर को बेचने के लिए दिया 28 दिन की वैलिडिटी, 30 दिन की? अब सुनने में आया कि 1 साल की वैलिडिटी भी वो करेंगी कंपनियां, जब उधर 25 साल की वैलिडिटी लाइसेंस खरीद रहे हैं वो, तो फिर ये छोटी अवधि की क्यों? जब वो बेच चुके हैं तो बेचने के अधिकार लैप्स कैसे हो सकते हैं? अगर मैंने उस अवधि में 28 दिन के अंदर अगर मैंने वो संबंधित जीप जो मैंने खरीदी जीबी अगर मैं उसका यूज नहीं करता हूं, तो वो लैप्स कैसे हो सकती है? यहां पर लैप्स का प्रश्न है, वो वापस से कैसे अपने उसको यूज कर सकता है? कस्टमर के साथ धोखाधड़ी जब वो एक बार उसके पैसे ले चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट को या तो ट्राई को भंग कर देना चाहिए, या फिर ट्राई ने जो अवैध रूप से जो उनको फायदा पहुंचाया है वो सब पैसा वापस भारत सरकार के कोष में जमा कराना चाहिए।